नमस्कार, मैं आपका भाई शिवम स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बैक वेंचर। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा एक स्टोरी है कि भाइयों का प्यार कैसा होना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा कि छोटी छोटी बातों पे भाई लोग आपस में लड़ाई कर लेते हैं, टकराहट हो जाती है, प्रॉपर्टी को लेकर, बिजनेस को लेकर, कोई भी छोटी छोटी बात को लेकर। पर हमें इसको रोकना है, क्योंकि एक जो संपूर्ण परिवार है वो आपस में एकता से ही बनता है। और मैं आज आपको एक स्टोरी बताऊंगा कि मतलब किस छोटी छोटी बातों पर ये टकराहट हो जाती है, तो आपको वो टकराहट के कारण को रोकना है। जिस प्रकार दूध होता है, अगर दूध में पानी चले जाए तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। दूध पानी में मिल जाता है, पानी दूध में मिल जाता है, वो लगभग एक सा ही रहता है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर आपको उस पे नींबू जितनी कड़वाहट नहीं लानी है। मान के चलिए दूध जो है वो आपस में रिश्ते हैं, उस पर अगर पानी जैसी छोटी सी कोई दिक्कत टकराहट आ जाती है तो वो कोई दिक्कत नहीं होती, वो घुल जाता है दूध पे और वो नहीं पता चलता है। लेकिन आप नींबू जितनी कड़वाहट लाएंगे रिश्ते में, तो जैसे ही नींबू दूध पे पड़ता है आप जानते हैं क्या हो जाता है, दूध दूध अलग हो जाता है, पानी पानी अलग हो जाता है, पूरे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। ऐसे ही एक बार दो भाई रहे, एक छोटा भाई था एक बड़ा भाई था। छोटा भाई छत पर खड़ा था, वो दातून कर रहा था, और उसका बड़ा भाई बगीचे पर गया था सुबह सुबह। तो वो देखता है कि वहाँ पे आम के पेड़ के नीचे दो आम पड़े हैं, एक बड़ा आम पड़ा है, एक छोटा आम पड़ा है। तो वो दोनों आम लेकर के आता है, उसके सामने उसका बच्चा मिलता है और उसके छोटे भाई का भी बच्चा है, दोनों सामने आ जाते हैं। अब जिस हाथ में बड़ा आम था उसके सामने उसके बड़े भाई का बेटा रहा, और जिस हाथ में छोटा आम था उसके सामने उसका बेटा था। अब उसके दोनों जो बेटे रहे वो दोनों लगभग एक ही उम्र के थे, तो उस बच्चा आम मांगता है कि मुझे आम दीजिए। तो वो अब सोचता है कि बड़ा आम तो दूसरे के बेटे के सामने है और छोटा आम मेरे बेटे के सामने, तो वो हाथ को क्रॉस कर लेता है, जिससे क्या होता है कि बड़ा आम उसके बेटे को मिलता है, छोटा आम दूसरे के बेटे को मिल जाता है। और यह जो करता ये कर रहा था, जो वो कौन देख रहा था, उसका छोटा भाई जो कि छत पे चढ़ा हुआ रहा, वो देख रहा था। तो उसका छोटा भाई इसे देखकर वो अगले ही दिन बोलता है, भैया अब ये छोटी सी चीज के लिए आप ऐसी हरकत कर रहे हो, तो अब एक काम करिए, जस्ट मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ और इस घर पे भी आप रहिए। तो वो चले जाते हैं, उसका घर भाई मतलब रिश्ते में कड़वाहट आ गई। अरे आम की कीमत ही क्या थी, सोचिए। पर वो छोड़कर चले गए और 10 दिन बाद बोलते हैं, भैया जो भी मेरे हिस्से में है आपको देना है दीजिए, नहीं देना तो नहीं दीजिए। उसका बड़ा भाई बहुत शर्मिंदा होता है उसके कृत्य पर। फिर वो भी सोचता कि वाकई में इस आम की क्या कीमत थी जो मैंने इतनी गंदी हरकत करी। तो फिर उसका जो बड़ा भाई था उन्होंने उसके छोटे भाई के नाम पूरी जमीन उसी के नाम कर दी। फिर से ये रिश्ते बन गए, परंतु एक जो छोटी सी खटास रही वो हमेशा रही, और ये सच कहानी है। इसलिए हमें मिलजुल कर रहना है, साथ में रहना है। छोटी मोटी चीज तो आती जाती है, अगर भाई लोग आपस में साथ में रहेंगे तो एकता बनी रहेगी, सुदृढ़ रहेगा, पूरा परिवार मिलकर चलेगा। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिलता है, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी भाइयों के प्रेम की, तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए उन लोगों को जिनको इसकी आवश्यकता है, जो छोटी छोटी बात पर लड़ते हैं, भिड़ते हैं। धन्यवाद।